नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल बीटल हॉटल में। शाहरुख खान और करण जौहर महबूब स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया है। कल शाहरुख खान और करण जौहर महबूब स्टूडियो में दोनों सीक्रेट मीटिंग किए हैं, जिस मीटिंग के चल बहुत सारे मैटर सामने आया है कि इस चीज के ऊपर शाहरुख खान और करण जौहर मीटिंग किया। तो चलिए वीडियो में आपको बता रहा हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें। आपको तो पता ही होगा कि लगभग 10 साल से शाहरुख खान और करण जौहर की प्रोडक्शन रेड चिलीज और धर्मा मिलकर कोई भी फिल्म नहीं बना रहा था, लेकिन आपको बता दूं कि अब धर्मा और रेड चिलीज की फिल्म आएगा एक साथ, लेकिन उस फिल्म में शाहरुख होंगे या नहीं होंगे किसी को पता नहीं। और दूसरी जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर से आर्यन खान को लेकर डिस्कस हुआ है शाहरुख और करण के बीच कि आर्यन की डेब्यू कहां से कराया जाए, ना या हॉलीवुड या फिर टॉलीवुड। करण खुद करना चाहते थे, लेकिन इसमें मीटिंग में डिस्कस हुआ है कि कौन सा चीज बेटर होगा आर्यन की डेब्यू के लिए। और तीसरा जो मैटर सबसे बड़ा है कि शाहरुख खान भी अब धर्मा की स्क्रिप्ट को सुनेंगे। आपको बता दूं, माय नेम इज खान की बात, शाहरुख खान किसी भी तरीके की धर्मा की कोई भी स्क्रिप्ट को सुनने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि माय नेम इज खान की टाइम पे दोनों के बीच प्रोडक्शन हाउस को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था और अनबन हो गया था। उसके बाद धर्मा की कोई भी स्क्रिप्ट को शाहरुख रीड नहीं किए थे, लेकिन आपको बता दें, आप धर्मा की कोई भी स्क्रिप्ट शाहरुख खान के पास आएंगे और शाहरुख सुनेंगे। अगर पसंद हुआ तो शाहरुख खान धर्मा की फिल्म में, मतलब धर्मा और रेड चिलीज की फिल्म में दिखाई देंगे। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि धर्मा और रेड चिलीज ऐसे दो प्रोडक्शन हाउस है जो पूरा बॉलीवुड को लीड करने वाले यशराज के अलावा। तो आपको, आप कितने खुश हुए शाहरुख और करण जौहर की एक होने पर, और करण ने आखिरकार शाहरुख खान की डिमांड जो था 10 साल पहले माय नेम इज खान पे, वो डिमांड करण जौहर ने पूरा कर दिया। मतलब अगर एक फिल्म को रेड चिलीज और धर्मा प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी परसेंटेज होंगे 50-50। चलिए आपको ये भी बता देता हूँ कि शाहरुख खान बहुत जल्द धर्मा की फिल्म में भी दिखाई दे सकते हैं। यही था वो इन्फॉर्मेशन और यही था वो चीज़ है जिसके बारे में शाहरुख और करण जौहर मीटिंग करके डिस्कस किए हैं। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।